आपकी स्क्रीन पर पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन लोगों पर आरोप है कि ये फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड पर स्थित बालाजी होटल में देह व्यापार का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर पहले एक फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा और सूचना कन्फर्म होने के बाद होटल में छापा मार दिया। पुलिस ने वहां से 13 लड़कियों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सभी लड़कियां दिल्ली NCR इलाके की हैं, जो यहां पार्टी के लिए ही आई थी। वहीं सभी युवक फरीदाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद की रहने वाली एक युवती ने इन सभी युवतियों को फरीदाबाद बुलाया था और ये सभी अनैतिक काम कर रही थी, जिनके खिलाफ आगे की जाँच शुरू कर दी गयी है। कल रात में नीलम बाटा रोड के ऊपर होटल है बालाजी करके, उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लड़कियां और कुछ लड़के पार्टी कर रहे हैं और कुछ गलत एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने वहां पे छापा मारा है। सर, कितने जने हैं ये जिनको पकड़ा गया है? ये करीबन 13 लड़कियां हैं और 24 लड़के हैं। तो कहाँ के है सर, ये फरीदाबाद के ही है या कहीं NCR के? लड़के फरीदाबाद के, लड़कियाँ जो हैं वो NCR के, लड़के सारे फरीदाबाद के। तो सर, ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इससे पहले भी आपने एक छापा मारा था होटल में और आज फिर एक छापा मारा है। देखिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होगी एरिया में तो हमारी ड्यूटी है उसको रोकने के लिए, इसीलिए छापा मारा है। बता दें कि पुलिस ने 4 दिन पहले भी होटल पर छापा मारकर 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में होटलों पर एक के बाद एक की जा रही छापेमारी को लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।